थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वो बहुत खामोश रहते हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अंदर से भी खाली, हरगिज नहीं। चूंकि उनके पढ़ाने का जो अंदाज है और अपने असलाफ को देखते हुए उन्होंने ये सीखा है कि बर्वक्त बोला जाए और अच्छा बोला जाए, उसका लिहाज करते हुए बोला करते हैं। उनकी वसत दर्दी और इल्म की वसत जो है उस पर एक शेर का इजहार करते हुए उन्हें दावत स्टेज जमा कि कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकून, कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना दर्द है उतना ही वो खामोश है। जनाब कामराम के साथ सबसे पहले तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे या चीफ गेस्ट थे या गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो सब चले गए और उन्होंने काफी कीमती चीजें हम लोगों को बताई और इंशाल्लाह हम तो कोशिश ये करेंगे कि उन्होंने जो भी बातें बताई है वो हमारे लिए मशाले रहा हो ताकि हम उन चीजों को देखते हुए अपनी जिंदगी को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। टाइम बहुत कम है और इसके बाद फिर सेकेंड प्रोग्राम को हम लोग शुरू करने वाले हैं तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए बस आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और जितने भी मेहमान ग्रामीण यहाँ पे तशरीफ करते हैं हम उन सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं। खासतौर से हमारे दरमियान हमारे लिए हम सबके लिए एक रोल मॉडल शाहिद रजा खान भाई भी तशरीफ यहाँ पे रखते हैं और कोशिश करेंगे कि वो हम ये सब ये कोशिश ये करेंगे कि अगर वो मदरसा बैकग्राउंड से आकर अगर वो IAS/IPS के एग्जाम को क्वालिफाई कर सके तो हम सब भी इसमें मुसम्मम कर ले कि इंशाल्लाह हम सब भी अगर IPS/IPS तो इसके अलावा और भी तो दूसरे फील्ड है लाइक हम लॉयर बन सके इसी तरीके से बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोग हैं हम अपने कम्युनिटी का जहां तक हो सके मुमकिन तरीके से हम सब कर सके क्योंकि ये आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो बहुत दूर नहीं जाएगा हम और भी पीछे से पीछे तर होते चले जाएंगे। इसलिए हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप सब जिस दिलदारी के साथ अभी तक हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। थोड़ा सा और सब्र करिए और एक और प्रोग्राम है उसमें भी पार्टिसिपेट करिए उसके जो भी मेहमान है उनका भी सुन ले और तकसीमी नमाज वगैरह है और भी सारे जो मेहमान वगैरह हैं उनका सुन लीजिए। इसी के साथ साथ मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।